क्वेश्चन ट्रिंग क्या होता है, पहले तो सबरिंग होना चाहिए, पहले तो सबरिंग होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए, ठीक है। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर, देन देन द क्वेश्चन ट्रिंग इज डिफाइंड बाय, देन द क्वेश्चन ट्रिंग, क्वेश्चन ट्रिंग, क्वेश्चन ट्रिंग आर बाय आई इज डिफाइंड बाई आर बाई आई सच दैट आई प्लस ए होगा यहाँ पे, जहां पे ए बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। जब भी आर बाई आई लिखेंगे, आई को आइडियल होना चाहिए। आप नॉर्मल से कंपेयर करते जाओ, क्वेश्चन ग्रुप से कंपेयर करते जाओ, क्वेश्चन ट्रिंग को, ठीक है, आइडियल को नॉर्मल से कंपेयर करते जाओ, यहाँ पे वैसे ही चलता है। तो आई प्लस ए वेर ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये रिंग फॉर्म करता है, फॉर्म्स रिंग, क्वेश्चन ट्रिंग ऊपर ही लिख दिया, वेयर वेयर वेयर। ऑपरेशन क्या है, व्हेनेवर आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा आई प्लस ए प्लस बी, ठीक है। राइट साइड से भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, और आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी करेंगे तो मुझे मिलेगा आई डॉट आई प्लस ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ये ठीक है। तो मोस्टली क्या देखना होता है, मोस्टली देखना होता है जेड बाई एम जेड को, मोस्टली किसको देखना होता है, जेड बाई एम जेड को, ज्यादा ज्यादातर केसों में जेड बाई एम जेड को ही देखना होता है, ठीक है। जेड बाई एम जेड क्या है आपका, आइसोमॉर्फिक टू जेड एम, तो जब भी जेड बाई एम जेड लिख करके आएगा ना, तो वो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम, आप जानते हो ना जेड बाई एम जेड का क्या मतलब। अगर मैं क्वेश्चन कर दू जेड बाई एम जेड को, यहीं से तो स्टार्ट होता है ना, कि आपका एम जेड होगा प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ऐसे ही कुछ ना। तो एक्स जो क्या होगा, वो एक्स तो रिमाइंडर होगा ना, एक्स तो रिमाइंडर होगा, तो जितना एक्स है उतना ही आपके पास सेट में एलिमेंट है, और कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, कितने रिमाइंडर आ सकते हैं बताइए। एक्स जो है एक्चुअली में मेरे पास जेड से बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो एक्स आपके पास या तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, या टू माइनस वन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे वो एम होगा वैसे वो एम जेड में चला जाएगा, ठीक है, जैसे वो एम होगा वैसे वो एम जेड में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एम। तो जेड बाई एम जेड की कार्डिनलिटी पूछी जाए तो दैट इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ जेड एम। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, बताइए। आर बाई आई जब हम लिखते हैं तो इसमें ये तो हम देख लिए कि ऑपरेशन है, पर इसकी आइडेंटिटी कौन है बता सकते हो, आइडेंटिटी ऑफ आर बाई आई किसको आइडेंटिटी मानेंगे, आई को मानते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आई प्लस आइडेंटिटी ऑफ आर, आइडेंटिटी ऑफ आई, आई प्लस ई सर, हाँ आई प्लस ई, ई क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ आर होता है। यहाँ पे आर की आइडेंटिटी क्या है, जो भी है वो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो जैसे मैं जेड बाई एम जेड ले रहा हूँ तो इसमें आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, जीरो, एम जेड, एम जेड है ना, एम जेड प्लस जीरो, एक्चुअली में जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ आर, तो एम जेड प्लस जीरो इज नथिंग बट एम जेड, एम जेड इज इज एन आइडेंटिटी ऑफ, आइडेंटिटी ऑफ जेड बाई एम जेड, बोले ठीक है। अगर मेरे पास आर सी आर यू होगा तो आर बाई आई भी सी आर यू होगा, इफ आर इज सी आर यू, आर इज सी आर यू, देन देन आर बाई आई इज ऑल्सो सी आर यू, ये भी क्या होगा, ये भी सी आर यू होगा। कैसे बताइए, अगर जैसे सी आर यू है तो आर कम्यूटेटिव रिंग है तो पक्का आर बाई आई कम्यूटेटिव रिंग होगा, क्योंकि आपको पता है। तो आइडेंटिटी जैसे यूनिटी, यूनिटी जो होगा आर के पास, मान लेते वन यूनिटी है आर के पास, तो इसकी यूनिटी क्या होगा, आई प्लस वन आर,
समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी a इंटू वन आर कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई प्लस वन आर करूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको आई प्लस ए के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, आई प्लस ए इंटू वन आर एंड विच इज आई प्लस ए। दूसरे साइड से भी वही हो, बोलिए। तो जब जैसे मैं सी आर यू लिख रहा हूं तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं कि इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, देन देन आर बाय आई इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग, आर बाय आई इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। सी आर यू है तो सी आर यू होगा, कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई शुड बी एन आइडियल ऑफ आर, ऐसा तभी पॉसिबल है। आई अगर आइडियल नहीं मानेंगे तो फिर नहीं बोल सकते कुछ, आई अगर आइडियल नहीं मानेंगे तो फिर नहीं बोल सकते। अभी देखिए जो मेरे पास फील्ड था एफ, एफ के पास कौन कौन सा आइडियल है, जीरो और फील्ड खुद, है ना। तो इसका जब फैक्टर, इसका जब फैक्टर ग्रुप निकालेंगे, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप जब निकालेंगे तो क्या होगा, फील्ड बाय सिंगलटन जीरो होगा। फील्ड बाय सिंगलटन जीरो का मतलब क्या हुआ, एफ ही आ जाएगा, राइट। मैं डायरेक्टली दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ, दिस इज आइसो रिंग आइसोमॉर्फिक टू एफ, ठीक है। एफ बाय एफ करूंगा तो सिंगलटन जीरो, सिंगलटन जीरो, यस सर, सिंगलटन जीरो व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड वन। तो कितने फैक्टर ग्रुप मिलेंगे, दो ही फैक्टर ग्रुप मिलेंगे किसी भी फील्ड के पास, उसके दो ही फैक्टर ग्रुप मिल सकते हैं और कोई नहीं मिल सकता। एक तो फील्ड खुद मिल जाएगा, एक तो सिंगलटन जीरो खुद मिल जाएगा, जेड वन के आइसोमॉर्फिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी फील्ड है, इफ एफ इज एनी फील्ड, एफ इज एनी फील्ड, एफ इज एनी फील्ड, फील्ड देन देयर एग्जिस्ट ओनली, देयर एग्जिस्ट ओनली, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू फैक्टर ग्रुप, टू फैक्टर ग्रुप। ओके, मैं आ जाता हूं जेड आयोटा पे, ठीक है। जेड आयोटा पे गॉसियन इंटीजर है, गॉसियन इंटीजर है, जेड आयोटा का आइडियल होता है एनजेड आयोटा, एनजेड आयोटा इज एन आइडियल ऑफ जेड आयोटा, ठीक है। आप प्रूफ कर सकते हो उस चीज को, एनजेड आयोटा इज आइडियल ऑफ जेड आयोटा। तो जब मैं कोसेंट करूंगा जेड आयोटा का एनजेड आयोटा के साथ तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे मिलेगा जेड एन आयोटा, यस मुझे मिलेगा जेड एन आयोटा। क्यों मिल रहा है ऐसा, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं जेड आयोटा अपॉन एनजेड आयोटा लिख रहा हूं तो बाय डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं बताइए, ए ए सच दैट ए प्लस एनजेड आयोटा लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन। और ए कहां से होना चाहिए, जेड आयोटा, जेड आयोटा से, यस सर, ठीक है। तो जब 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 आपका n का मल्टीपल आएगा ना, जब जब जैसे जैसे n का मल्टीपल आएगा वो z आयोटा में चल जाएगा। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए z आयोटा अपॉन अपॉन 2z आयोटा, 2z आयोटा कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2z आयोटा, 2z आयोटा, जहाँ पे a क्या बिलोंग कर रहा है, z आयोटा में, ठीक है। अभी अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z2 आयोटा, तो पक्का इसके पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, Z2 में तो आप क्या ही बना सकते हो, ए Z2 आयोटा का मतलब क्या हुआ, Z2 आयोटा का मतलब हुआ, let's see, Z2 आयोटा का मतलब हुआ कि a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, where a belongs to Z2 and b belongs to Z2, a b belongs to Z2, तो इसकी मतलब इसके पास कार्डिनलिटी कितनी हुई, कार्डिनलिटी ऑफ Z2 आयोटा इज व्हाट, 2 का स्क्वायर, राइट, 2 into 2 rather than say 2 का स्क्वायर, बट वो 2 का स्क्वायर ही जाएगा, p का स्क्वायर ही जाता है, 4 हो गया ना। तो इसका मतलब इस सेट के पास केवल और केवल 4 एलिमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है। आप मुझे कोई भी एलिमेंट उठा के दोगे, मैं उसको कन्वर्ट करके 4 एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड वो कौन से 4 एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, एक तो 2z आयोटा में कन्वर्ट कर दूंगा इसको, एक तो मैं 1 प्लस 2z आयोटा में कन्वर्ट कर दूंगा,
टू जेड आयोटा में कन्वर्ट कर दूंगा, एक तो मैं आई में कन्वर्ट कर दूंगा आई प्लस टू जेड आयोटा में, और दूसरा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वन प्लस आई प्लस टू जेड आयोटा में। ठीक है, आप कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ थ्री प्लस फोर आई, दिस इज बिलोंग्स टू जेड आयोटा राइट, पर अगर जैसे मैं टू जेड के साथ क्वेश्चन करूंगा सो दैट आई कैन राइट इट एज टू प्लस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ टू आयोटा टू आयोटा। ठीक है, अभी क्या हुआ, दिस इज टू जेड आयोटा में गया ना, ये भी टू जेड आयोटा में चला गया, ये भी टू जेड आयोटा में चला गया, बच गया वन बस, तो दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस टू जेड आयोटा। तो ये कहां चला जाएगा, वन प्लस टू जेड आयोटा के सेट में चला जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं z बाई एन जेड को आयोटा करूंगा तो मेरे पास दिस इज आइसोमॉर्फिक टू नथिंग बट दिस इज रिंग रिंग आइसोमॉर्फिक एन जेड आयोटा, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। यहां तक ठीक है, किसी को दिक्कत? सो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे कि z by nz iota में करता हूं बेसिकली, तो दिस इज नथिंग बट z iota, दिस इज नथिंग बट z iota एंड nz iota, सो दिस इज नथिंग बट कि दिस इज जनरेटेड बाय n, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं n से जनरेटेड कहता हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि n टाइम्स ऑफ a such that a belongs to z iota। अभी आप a कुछ भी लाके रख दो वहां पे, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज आइसोमॉर्फिक टू z iota। इसलिए क्या हो जाता है, जेड एन आयोटा के आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, अगर मैं जेड आयोटा ले लेता हूँ और इसमें कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए प्लस आयोटा बी, और इसके साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ ए प्लस आयोटा बी वन प्लस टू आयोटा, इज दिस मैक्सिमल आइडियल इन जेड आयोटा, मैक्सिमम छोड़ो आइडियल रहने देते हैं, अभी ये सब के सब उसमें आ जाएंगे, आर बाई एम वाले में आ जाएंगे। ठीक है, आर बाई एम वाले रिजल्ट में सब कुछ काउंट हो जाएगा, तो उससे घबराने की बात नहीं, मैक्सिमल आइडियल अभी नहीं सोचना। ठीक है, दिस इज आइडियल ऑफ जेड आयोटा, यस सर, सारे ऐसे ही आइडियल होंगे। देयर इज अ रिजल्ट, देयर इज अ रिजल्ट कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ कब, इफ ऐसा नहीं, इफ जीसीडी वन हो, अगर जीसीडी बने दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर ये है तो अगर ऐसे इसकी जीसीडी बन है तो इसकी भी तो बनी होगी ना, ए माइनस आयोटा बी की, सो दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिक, दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू जेड आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा बी, एंड दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू जेड आयोटा अपॉन माइनस ए प्लस आयोटा बी, and this is also isomorphic upon to is a minus 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 to minus i, yaad rahega sab, z iota singleton zero kya banega, singleton zero kya banega, z iota khud banega, z iota, theek hai, और जेड आयोटा किससे, जेड आयोटा में कौन कौन सी यूनिट है बता सकते हो, तो प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, ये सब नहीं बोलना है, ये सब याद रखना है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ जेड आयोटा अपॉन ए प्लस आयोटा बी इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा कब, जब जीसीडी वन नहीं होगा। ठीक है, जब जीसीडी वन नहीं होगा ए और बी का, और ए और जो नॉन जीरो एलिमेंट है तब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाता है। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई से दिस इज जेड जेड आयोटा है, और इसको मैं कर रहा हूं थ्री प्लस सिक्स आयोटा के साथ, सिक्स आयोटा के साथ। ठीक है, अभी एक चीज देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जेड आयोटा
जेड आयोटा, मैं ऐसे थ्री बाहर निकाल दूं क्या? सो दिस इज नथिंग बट थ्री टाइम्स ऑफ वन प्लस टू, ठीक है, वन प्लस टू आयोटा. एक और चीज है कि जब इन दोनों का जीसीडी वन है ना, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आयोटा अपॉन थ्री थ्री क्रॉस जेड आयोटा अपॉन अपॉन वन प्लस टू आयोटा. So this is nothing but isomorphic to Z3 iota, right? Yes, sir. अभी यहाँ iota भी है ना, so ये वाला result कहाँ जाएगा? This is isomorphic to Z a square plus b square. So this is nothing but Z3 iota cross Z5. समझ पा रहे आप लोग? Yes. तो क्या ये integral domain बनेगा क्या? मैंने आपको बताया था ना कि whenever you take two non नॉन जीरो रिंग, जब भी आप दो नॉन जीरो रिंग लेंगे, दोनों नॉन जीरो रिंग लेंगे, उनका क्रॉस कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा. ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो रिंग है ना, ये नॉन सर, उनमें से सर एक ट्रिवियल होना तभी बन रहा था सर, अगर ट्रिवियल होता है. ए जीरो वाला याद कीजिए, ए जीरो जीरो बी, ए जीरो जीरो बी, ये दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है एंड देन इनका जब आप डॉट करोगे तो ये जीरो दे देगा, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता है. सो दिस इज द लॉजिक, जब वो प्राइम नहीं है ना तो वो फैक्टर में डिवाइड हो जाता है. यस सर, दो फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा वो, तो वो ऐसे काम करेगा फिर. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अभी आपके वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो एंड देन. तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आर बाई आई, R by I is an integral domain. Is an integral domain. Is an integral domain. Integral domain. If and only if, right? If and only if I is a prime ideal. Prime ideal of R. Ideal of R. Okay. Next. And this ring should be commutative ring with unity in CRU. Commutative ring with unity. R by I is an integral domain if and only if I is prime ideal. In CRU, R by I is filled if and only if I is maximal ideal. CRU लेके चल रहे हैं हम लोग सब, ठीक है? तो अभी आप यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हो. ठीक है, ये चीज बोलिए. यस सर. तो इन दोनों को याद रखेंगे थोड़ा, ठीक है? एंड देन इसके बेस पे हम लोग बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं. जैसे z over pz करेंगे. सो व्हाट इज दिस इज आइसोमॉर्फिक टू zp, राइट? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू zp. और p अगर मैंने प्राइम ले रखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब zp इज, बताइए, फिल्ड. zp इज फिल्ड, इसका मतलब दिस इज फिल्ड. और जैसे ये फिल्ड हुआ, व्हिच इंप्लाइज व्हाट? r by m is filled. Z by PZ is filled. ZP हमारे पास मैक्सिमम. Z by PZ is filled. इसका मतलब क्या हो गया? PZ is maximal in Z. और PZ maximal है Z में, और Z CRU है. Z is CRU. तो PZ is
प्राइम भी हो गया ना, पी जेड इज प्राइम आई जाएगा, नहीं तो आप यहां से ही कर सकते हो, नहीं तो आप यहां से ही कर सकते हो कि जेड बाई पी जेड, पी जेड इज आइसोमोर्फिक टू जेड पी, जेड पी फील्ड है, जेड पी इंटीग्रल डोमेन भी होगा, यस सर होगा, तो पी जेड आपका क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, प्राइम प्राइम इन जेड। अभी सिंगलटन जीरो वाला रिजल्ट देखिए, वो अगर वहां से नहीं समझ में तो यहां से आ जाएगा, जेड बाई सिंगलटन जीरो इज व्हाट, इज दिस आइसोमॉर्फिक टू जेड, जेड के आइसोमॉर्फिक टू जेड, एंड दिस इज जस्ट एन इंटीग्रल डोमेन, यस सर, इसका मतलब सिंगलटन जीरो इज व्हाट, सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल, यस सर, प्राइम आइडियल, बस प्राइम आइडियल, इफ एंड ओनली फॉर, इफ एंड ओनली फॉर, इस वजह से दिस इज सीआरयू, राइट, दिस इज सीआरयू, ये ध्यान रखना है कि जो भी ऊपर मिलेंगे वो सीआरयू होना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट बेकार, जीरो इज प्राइम आइडियल इन इन जेड, मैक्सिमल नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि फील्ड तो है नहीं जेड मेरे पास, फील्ड नहीं है, यस है ना, अगर मैं ऐसे ही पूछ दूं जेड आयोटा है मेरे पास, जेड आयोटा को सिंगलटन जीरो के साथ किया, क्या सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल है, इस सिंगलटन जीरो इस प्राइम आइडियल है, अभी जो मैंने लिखवाया ना आपका जेड आयोटा, अभी कुछ भी बोल दो, कोई भी आइडियल बोल दो, आई कैन शो यू कि इट इज प्राइम ऑर नॉट, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आयोटा, राइट, और जेड आयोटा क्या है मेरे पास, इंटीग्रल डोमेन है, तो जब भी आर बाई पी इंटीग्रल डोमेन होता है तो पी प्राइम होता है, तो सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल इन जेड आयोटा, तो ये कितनी आसानी से प्रूफ हो रहा है सब कुछ, बोलिए समझ आ रहा है, अगर मेरे पास फील्ड है, फील्ड को मैंने सिंगलटन जीरो के साथ किया, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड, अगेन फील्ड, सो दिस इज फील्ड, इसका मतलब सिंगलटन जीरो इज मैक्सिमल आइडियल इन एफ, मतलब और कोई नहीं आने वाले बीच में, मैक्सिमल आइडियल इन एफ फील्ड, इंटीग्रल डोमेन है, दिस इज फील्ड, दिस इज इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से प्राइम आइडियल, तो यहाँ से देखना आसान है ना सब कुछ, पूरी आसानी की नहीं है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होता है ना, जब अभी तक मैंने क्या बोला था, अभी तक मैंने आपको बोला है CRU, मैंने फिर एक रिजल्ट भी लिखा है कि अगर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग हुआ तो वहां पे आपका प्राइम आइडियल भी क्या हो जाएगा, दोनों ये यस सर, इफ एंड ओनली प्राइम आइडियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, तो Zn के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, Zn में हर आइडियल प्राइम आइडियल है तभी जब वो मैक्सिमल आइडियल है, और मैक्सिमल आइडियल है तभी जब वो प्राइम आइडियल है, तो फाइनाइट सीआरयू में आपको प्राइम जो होता है वो मैक्सिमल होता है, और सीआरयू में जो आपको मैक्सिमल होता है वो प्राइम होता है, ठीक है, ये सब चीज दिमाग में रखना है।